चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार मूलतः ढाका के विक्रमपुर का प्रसिद्ध परिवार था। चित्तरंजन दास के पिता भुवन मोहन दास कलकत्ता उच्च न्यायालय के जाने माने वकीलों में से एक थे। वे बंगला में कविता भी करते थे। सन 1890 में बीए पास करने के बाद चित्तरंजन दास आईसीएस बनने के लिए इंग्लैंड गए और सन 1892 में बैरिस्टर होकर स्वदेश लौटे। शुरू में तो वकालत ठीक नहीं चली, पर कुछ समय बाद खूब चमकी और इन्होंने अपना आर्थिक कर्ज भी चुका दिया। लोगों को वकालत में इनकी कुशलता का परिचय सर्वप्रथम वंदे मातरम के संपादक श्री अरविंद घोष पर चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे में मिला और मानसिक तला बाघ षड्यंत्र के मुकदमे ने तो कलकत्ता हाईकोर्ट में इनकी धाक अच्छी तरह जमा दी। इतना ही नहीं, इस मुकदमे में उन्होंने जो निस्वार्थ भाव से अथक परिश्रम किया और तेजस्वितापूर्ण वकालत का परिचय दिया, उसके कारण समस्त भारतवर्ष में राष्ट्रीय वकील नाम से इनकी ख्याति फैल गई। इस प्रकार के मुकदमों में ये फीस नहीं लेते थे। 1906 में ये कांग्रेस में शामिल हुए। 1917 में ये बंगाल की प्रांतीय राज्य की परिषद के अध्यक्ष हुए। इसी समय से वे राजनीति में भाग लेने लगे। सन 1917 के कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष का पद श्रीमती एनी बेसेंट को दिलाने में इनका प्रमुख योगदान था। इनकी उग्र नीति सहन होने के कारण इसी साल श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा उनके दल के अन्य लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए और अलग से प्रागतिक परिषद की स्थापना की। इन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह का समर्थन किया, लेकिन कलकत्ते में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इन्होंने गांधी असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया। नागपुर अधिवेशन में ये 250 प्रतिनिधियों का एक दल इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए ले गए थे, लेकिन अंत में इन्होंने स्वयं ही उक्त प्रस्ताव सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया। कांग्रेस के निर्णय के अनुसार इन्होंने वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल को दे डाली। इनके इस महान त्याग को देखकर जनता इन्हें देश बंधु कहने लगी। असहयोग आंदोलन में जिन विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, उनके लिए इन्होंने ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। आसाम के चाय बागानों के मजदूरों की स्थिति ने भी कुछ समय तक इनका ध्यान आकर्षित किया था। 1921 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के लिए 10 लाख स्वयं सेवक मांगे थे। उसकी पूर्ति के लिए इन्होंने प्रयत्न किया और खादी विक्रय आदि कांग्रेस के कार्यक्रम में भाग लिया। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन ये उस समय जेल में थे। इनके प्रतिनिधि के रूप में हकीम अजमल खान ने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। इनका अध्यक्षीय भाषण श्रीमती सरोजनी नायडू ने पढ़कर सुनाया। जिस समय जेल से छूटकर आए, तब तक आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका था। बाहर से आंदोलन करने के बजाय इन्होंने काउंसिलों में घुसकर भीतर से अड़ंगा लगाने की नीति की घोषणा की। गया कांग्रेस में ये अध्यक्ष थे, लेकिन इनका यह प्रस्ताव वहाँ स्वीकार न हो सका। अतएव इन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और स्वराज दल की स्थापना की। कांग्रेस को उनकी नीति माननी पड़ी और उनका काउंसिलिंग प्रवेश का प्रस्ताव सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में स्वीकार हो गया। प्रस्ताव के अनुसार ये काउंसिलिंग में शामिल हुए। इनका दल बंगाल काउंसिलिंग में निर्विरोध चुना गया। इन्होंने मंत्रिमंडल बनाना अस्वीकार कर दिया और मंत्रियों के वेतनों को मान्यता देना नामंजूर कर मॉन्टफोर्ट सुधारों की दुर्गति कर डाली। सन 1924 से 1925 में इन्होंने कलकत्ता नगर महापालिका में अपने पक्ष के काफी लोग शामिल किए और स्वयं मेयर हुए। इन दिनों कांग्रेस पर इनके स्वराज्य दल का पूरा कब्जा था और ये स्वयं उसके कर्ता धर्ता थे। पटना के अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता के लिए सूत कातने की अनिवार्य शर्त को ऐच्छिक कर दिया। लगभग इसी समय गोपीनाथ साहा नामक एक बंगाली व्यक्ति ने एक अंग्रेज की हत्या की और सरकार तथा इनके दल में झगड़ा शुरू हुआ। सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की और संदेह में 80 लोगों को पकड़ा। कलकत्ता कॉरपोरेशन ने भी सरकार की इस नीति का विरोध किया। चित्तरंजन दास के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वे उच्च कोटि के राजनीतिक तथा नेता तो थे ही, बंगला भाषा के अच्छे कवि तथा पत्रकार भी थे। बंगाल की जनता इनके कवि रूप का बहुत आदर करती थी। बंग साहित्य के आंदोलन में इनका प्रमुख हाथ रहा था। सागर संगीत, अंतर्यामी, किशोर किशोरी इनके काव्य ग्रंथ हैं। सागर संगीत का इन्होंने तथा श्री अरविंद घोष ने मिलकर अंग्रेजी में सॉन्ग ऑफ द सिया नाम से अनुवाद किया और उसे प्रकाशित किया। नारायण नामक वैष्णव साहित्य प्रधान मानसिक पत्रिका इन्होंने काफी समय तक चलाई। 1906 में प्रारंभ हुए वंदे मातरम नामक अंग्रेजी पत्र के संस्थापक और संपादक मंडल दोनों के ये प्रमुख सदस्य थे और बंगाल स्वराज्य दल का मुखपत्र फॉरवर्ड तो इन्हीं की प्रेरणा और जिम्मेदारी पर निकला और चला। इन्होंने इंडिया फॉर इंडियन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की थी।
बेलगांव कांग्रेस में इन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी कि 148 नंबर रूसा रोड कलकत्ता वाले इनके मकान में स्त्रियों और बच्चों का अस्पताल बना दिया जाए। उनकी मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने सीआर दास स्मारक निधि के रूप में 10 लाख रुपए इकट्ठे किए और भारत के इस महान सुपुत्र की अंतिम इच्छा पूर्ण की। जिस वक्त देश बंधु चित्तरंजन दास का राजनीतिक जीवन चरम पर था, उसी वक्त काम के बोझ तले उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। मई 1925 में वो स्वास्थ्य लाभ के लिए दार्जिलिंग चले गए, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। इस बीच महात्मा गांधी भी खुद उनसे मिलने के लिए दार्जिलिंग आए थे। 16 जून 1925 को वो तेज बुखार के कारण उनका निधन हो गया। चित्तरंजन दास की अंतिम यात्रा कोलकाता में निकाली गई, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी ने कहा कि देश बंधु एक महान आत्मा थे, उन्होंने एक ही सपना देखा था, आजाद भारत का सपना। उनके दिल में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं था। अपने निधन के कुछ समय पहले देश बंधु ने अपना घर और सारी जमीन राष्ट्र के नाम कर दी। जिस घर में वे रहते थे वहाँ अब चित्तरंजन दास का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है। वहीं दार्जिलिंग वाला उनका निवास अब मात्र एवं शिशु संरक्षण केंद्र के रूप में राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। दिल्ली का प्रसिद्ध आवासीय क्षेत्र सीआर पार्क का नाम भी देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया है। देश भर में उनके नाम पर कई बड़े संस्थानों का नाम रखा गया है। देश बंधु कॉलेज हो या फिर चित्तरंजन अवेन्यू, ऐसे कई संस्थान हैं जिनकी देश को एक सूत्र में पिरोने वाले देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम से पहचान है।